हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी सरकारी कंपनी के बारे में जिसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। लेकिन छोटी तो है लेकिन काम काफी बड़ा ये कंपनी कर रही है। एल्यूमिनियम सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। 32 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली हमें इसमें देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो याद होगा जब इसमें गिरावट आई थी लॉकडाउन के चलते, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका है। और मैंने ये भी कहा था कि अब अगर अभी आप पैसा लगाओगे तो जरूर आपको बढ़िया रिटर्न यहाँ पर मिलने के चांसेस है। शेयर जब 27-28 रुपए के आसपास भी ट्रेड करा तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी कर लो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और शेयर ने बढ़िया रिटर्न कमा कर भी दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने का क्या अभी सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शेयर अभी 32 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने की हम बात करें तो 1 महीने में 12-12.5% का बढ़िया ग्रोथ है। आप खुद देख सकते हैं शेयर 26 रुपए तक का लो बनाया, बाद में बढ़िया बाउंस बैक आया है, 32 रुपए तक शेयर पहुंच गया है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में 34% की गिरावट जरूर है। 50 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, और 27 रुपए के आसपास का लो ये बना चुका है पिछले 1 साल में। पिछले 3 साल की भी हम बात करें तो 3 साल में 50% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 95 रुपीज के लेवल से शेयर कंटिन्यूस नीचे टूट रहा है। लेकिन आप देखिए कि गिरावट आने के बाद बाउंस बैक भी आता है यहाँ पर। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में नेशनल एल्यूमिनियम का जो शेयर है उसमें 68% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो एक चीज यहाँ पर साफ है, 120 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर चुका है। देखिए गिरावट आई थी, शेयर 24 रुपए तक भी पहुंचा था, फिर बाद में बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर अभी गिरावट आई है, फिर अभी यहाँ से शेयर बाउंस बैक की तरफ आकर जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए खरीद के भूल जाओ। जी नहीं, ये वो शेयर है जिस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये वो शेयर है जिस पर आपको क्या, जब शेयर में गिरावट आए आप खरीदारी करो और प्रॉफिट आने पर आप बेच के निकल जाओ। तो इसी तरीके की सिचुएशन आप यहाँ पर खेल सकते हो, और याद रखिए बढ़िया प्रॉफिट कमाने का भी आप यहाँ पर कमा सकते हो। मिड कैप स्टॉक है, 5,811 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में अगर हम देखिए 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। 3 करोड़ फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ, मतलब कल जब मार्केट क्लोज हुआ, तो कल जो मिड कैप स्टॉक्स थे उसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि सर्किट चेंज हुआ था और इसीलिए एक बड़ा फायदा इनको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल गया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर कौन है, सरकार है, और उनके पास 51.50% की होल्डिंग है। FIIs के पास 11.30% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.17% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है 51.50%। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 194 FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिनके पास 5.90% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.28% के आसपास यहाँ पर है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो 30% का डिविडेंड भी पे करा है, और इसी साल फेब्रुवरी महीनों में इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है, और 1.50 रुपए तक का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। बढ़िया डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। तो ये नेशनल एल्यूमिनियम की वेबसाइट्स है, और अगर आप बात करें तो देखिए पूरे ग्लोब में लोवेस्ट कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। सबसे सस्ता एल्यूमिनियम बनाते हैं ये लोग, सबसे सस्ता। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में, पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में सबसे कम वो बनाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो काफी, सिर्फ एल्यूमिनियम के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें ये है, जैसे कि पोर्ट फैसिलिटीज है, NRTC टेस्टिंग सर्विस भी यहाँ पर है, बॉक्साइट माइनिंग है, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग है। तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, काफी ज्यादा इनके काम से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैपेसिटी पावर प्लांट भी इनके देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ओवरऑल देखिए बॉक्साइट माइनिंग और एल्यूमिनियम में काफी बड़ा नाम इनका देखने को मिल रहा है, और सरकारी कंपनी है ये, और तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है ये। अगर हम बात करें इंडिया के, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम बॉक्साइट तो उसमें इनका नाम जरूर आता है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है इनकी। PE 22.78 है, जबकि इंडस्ट्री PE 12.73 है। बुक वैल्यू 56 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.58 है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर काफी कम है। EPS 1.44 है, और डिलीवरी तकरीबन 32% के आसपास देखने को मिल रही है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 20% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 0% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने यहाँ पर 59 करोड़ की कीमत के शेयर्स खरीदे हैं, सस्ते में इन्होंने शेयर उठाए थे 59 करोड़। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की हम बात करें, सॉरी, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे इनके लिए काफी अच्छे नहीं थे। जैसे कि दिसंबर में 34 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, जबकि सितंबर में 28 से 29 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ था, जबकि इससे पहले कंपनी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक का मुनाफा करती थी। तो यही एक रीजन है कि शेयर में पिछले काफी वक्त से यहाँ पर गिरावट चल रही है। हालांकि लॉकडाउन के चलते ये गिरावट और ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद अच्छी रैली हमें देखने को मिले। जो लोकल टू वोकल की जो मुहिम छिड़ी है, जो इंडिया में जो प्रोड्यूस करने की बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि इनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफी हद तक गिराई है। प्रमोटर मतलब सरकार है, 56.77% की जो होल्डिंग थी आज वो 51.50% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। दूसरी तरफ एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो पहले उनके पास 10.87% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज वो 11.30% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी कोई शेयर नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी कट डाउन की है, 11.22% की होल्डिंग आज 8.17% की रह चुकी है। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो नेशनल एल्यूमिनियम सरकारी कंपनी है और एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है हमारे इंडिया में, और काफी सारी कैपेसिटी भी है प्रोड्यूस करने की। और जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है लोकल टू वोकल वाला, तो शायद आने वाले दिनों में इनको और कई सारे इनको फायदा हो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है और आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आप चाहे तो बने रह सकते हैं। 32 रुपए के ऊपर शेयर है, यहाँ से कम शेयर 35 से 36 रुपए तक जाने की उम्मीद है। दूसरी बात, अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रख के करिएगा कि थोड़ा अनस्टेबल है ये शेयर। जैसे कि तेजी आई तो बाद में गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा। पहले छोटी क्वांटिटी खरीदिए, बाद में थोड़ी और क्वांटिटी खरीदिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 20 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। अगर गिरावट आती है तो और 20 खरीदिए, फिर वेट करें। अगर और गिरावट आती है तो और 20 शेयर यहाँ पर खरीद लीजिए। तो इस तरीके से एसआईपी मोड में खरीदारी कीजिए, और कम से कम यहाँ पर आप इसमें नेक्स्ट 7 या 8 महीने का प्लान लेकर चलिए, तो जरूर आपको वो शेयर कम से कम 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। हालांकि हाँ, इस बीच में एक चीज याद रखिएगा, तेजी भी आएगी और गिरावट भी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ तेजी आएगी, तेजी भी आएगी बाद में गिरावट भी आएगी, तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए एसआईपी मोड में ही खरीदारी करिए, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।